हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडेज़ आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम। तो आज आईबीपीएस क्लर्क का लास्ट डे था एग्ज़ाम का, और मैंने तो ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, तो मैं उसके थ्रू मैंने उससे बात हुई थी, तो उसके थ्रू मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस कर रहा हूँ एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम जो था यार, उसका लेवल काफ़ी ईजी था, और सबसे पहले था इंग्लिश। तो इंग्लिश में यार, जैसे उसने बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो उसको थोड़ा सा टफ लगा, बाकी का सारा सेक्शंस जो थे वो जो भी था, ये जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे। तो उसने टोटल किए हैं यार 30 अटेम्प्ट्स, बट अराउंड 26 जो हैं वो ये नॉर्मल अटेम्प्ट्स, इतने ठीक अटेम्प्ट्स हैं मतलब इंग्लिश में अगर तुमने किए हैं तो। और ईजी था लेवल, कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ के बाकी सारा ईजी था इसका लेवल जो था इंग्लिश का। देन उसके बाद जो है यार वो था क्वांट। तो क्वांट में तो पहले सीधा ही यार देखो, सिंप्लीफिकेशन 12 ये आ गई थी और क्वाड्रेटिक ये आ गई थी, तो ये तो आराम से हो जानी थी दोनों। देन DI भी हो जानी थी। अर्थमेटिक था थोड़ा सा, तो क्वांट तो तुम बोल ही सकते हो इजी था यार, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही सीधा 12 आ गई थी, इसमें 12 क्वेश्चन तो सीधे हो जाने थे यार 5-6 मिनट में। तो अगर इसमें बताऊँ तो यार मैं टोटल गुड अटैम्प्ट तो यार मैं 28 के आसपास बोल सकता हूँ, और उसने भी 28 ही किए हैं दोस्त ने। एंड देन उसके बाद जो सेक्शन था वो रीजनिंग था, तो रीजनिंग जो था यार वो काफ़ी आसान आया था, और इसमें तुम देख सकते हो इनइक्वालिटी आ गई थी, कोडिंग सिलॉग आ गए थे, देन अल्फा न्यूमेरिक आ गई थी, और कंपैरिजन पजल्स, पजल जो थी वो काफ़ी आसान थी इसमें यार। तो जो मेरा फ्रेंड है उसने इसमें किए हैं 35 के 35 कर दिए हैं, बट अगर तुमने 30+ किए हैं तो 30 किए हैं, तो यार ये बढ़िया अटैम्प्ट हैं, और ईजी था लेवल इसका रीजनिंग का भी उसने बताया। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो यार 80 कितना, ये 84 तो बन गया ये, तो 84+ अगर तुमने किए हैं तो वो गुड अटेम्प्ट्स हैं, और ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ यार, जनरल कैटेगरी के लिए 84+ बढ़िया अटेम्प्ट्स हैं। और अगर कट ऑफ की बात करूँ तो यार कट ऑफ मेरे को लगता है इसमें आसान था एग्ज़ाम, तो कट ऑफ पिछले साल मैंने भी एग्ज़ाम दिया था क्लर्क IBPS का, तो उसकी कट ऑफ 72 गई थी, बट उस टाइम थी वैकेंसीज 45, इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 113 हैं, और बट कट ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी था, तो 75 तक जा सकती है इसकी कट ऑफ, 75, और थोड़ी सी बढ़ सकती है कट ऑफ, 2 सीट्स ज़्यादा हैं बट फिर भी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ सकती है मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और बाकी देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, बट 75 मेरे को लग रहा है जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, और मैं ये कट ऑफ तो इतनी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी जा सकती है कट ऑफ, बाकी देखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी था, लेट्स सी। पर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए यार वो मेंस की तैयारी शुरू कर देना, जिनके इतने से आसपास अटैम्प्ट बन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है क्लियर। सो गुड लक गाइस।